टॉप 10 मेंटल डिसऑर्डर्स इन ह्यूमन। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप दुनिया के सबसे रेयर मानसिक बीमारियों के बारे में जानने वाले हो, जो कि दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में कुछ गिने चुने लोगों में ही पाई जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, नाइटमेयर डिसऑर्डर। दोस्तों इस बीमारी को स्लीप एपनिया भी कहते हैं, जिसे हिंदी में नींद की बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान को हमेशा डरावने और बुरे सपने ही आते हैं और इंसान हमेशा तनाव में ही रहता है। और ये बीमारी होने की संभावना 1500 लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति को ही होती है। नंबर 9, क्लेप्टोमेनिया। दोस्तों इस बीमारी को हिंदी में चोरी करने की बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान को हमेशा चोरी करने की तीव्र इच्छा रहती है और ये बीमारी होने की संभावना 1670 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही होती है। नंबर 8, इरोटोमेनिया। दोस्तों इस बीमारी को हिंदी में प्रेम की बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान किसी अनजान व्यक्ति से प्रेम कर बैठता है और उस पर सिर्फ खुद का ही अधिकार है ऐसा मानने लगता है और ये बीमारी होने की संभावना 6670 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही होती है। नंबर 7, पाइरोमेनिया। दोस्तों इस बीमारी को हिंदी में जलाने की बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान को कहीं भी आग लगाने की तीव्र इच्छा रहती है और आग लगने पर ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है और ये बीमारी होने की संभावना 10,000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही होती है। नंबर 6, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। दोस्तों इस बीमारी को हिंदी में हीन भावना की बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान अपने आप को दूसरों से कम समझकर हमेशा तनाव में रहता है और ज्यादा तनाव में आकर इंसान कोई बड़ी भूल भी कर बैठता है और ये बीमारी होने की संभावना 10,000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही होती है। नंबर 5, ट्रिकोटिलोमेनिया। दोस्तों इस बीमारी को हिंदी में खींचने की बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान को हमेशा कुछ न कुछ खींचते रहने की तीव्र इच्छाएं होती है। यहाँ तक कि इस बीमारी से पीड़ित इंसान अपने बालों को खींच खींच कर खुद को गंजा भी कर लेते हैं और ये बीमारी होने की संभावना 1,00,000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही होती है। नंबर 4, अलाइस इन वंडरलैंड सिंड्रोम। दोस्तों इस बीमारी को हिंदी में मति भ्रम की बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान के देखने, सुनने, स्पर्श करने, संवेदना और समय देखने जैसी क्रियाओं में हमेशा भ्रम होने लगता है और ये बीमारी होने की संभावना 4,14,20,118 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही होती है। नंबर 3, सोमनीफोबिया। दोस्तों इस बीमारी को हिंदी में डर की नींद भी कहा जाता है। इसमें इंसान सोने जाने से पहले बहुत ही उत्साहित हो जाता है और सोने पर बहुत ही बुरे विचार आते हैं और ये बीमारी होने की संभावना 70,00,000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही होती है। नंबर 2, फ्रेगोली सिंड्रोम। दोस्तों इस बीमारी को हिंदी में सम वास्तविकता की बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान को अपने जैसे दूसरे व्यक्ति होने का हमेशा डर लगता है और ये बीमारी होने की संभावना 1,75,00,000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही होती है। और आखिर में नंबर 1, कोटार्ड सिंड्रोम। दोस्तों इस बीमारी को हिंदी में जीवित मृत बीमारी भी कहते हैं। इसमें इंसान जिंदा होते हुए भी खुद को मृत मान लेता है, यानी कि इंसान को खुद जिंदा होते हुए भी मर चुके होने का आभास होता रहता है। ये बीमारी दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, जो कि दुनिया में सबसे कम लोगों में पाई जाती है। ये बीमारी होने की संभावना 8,55,00,000, यानी कि पूरी दुनिया में जितने लोग मौजूद है उसमें से सिर्फ एक इंसान को ही होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए जरूर से ऑन कर दीजिएगा और अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी हो तो इसे अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी जरूर से शेयर कीजिएगा। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।